गुड मॉर्निंग क्लास, वी आर रीडिंग द सॉन्ग ऑफ द फ्री बाय स्वामी विवेकानंद एंड टुडे वी विल आल्सो रीड द थर्ड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। चिल्ड्रन यू नो दैट स्वामी विवेकानंद वाज द पोएट हैविंग द फीलिंग ऑफ द पैट्रियोटिक। हिज डीप लव फॉर कंट्री वाज वेरी स्पेशल एंड यूनिक। ही वॉन्टेड टू मेक इंडिया अ ग्रेट कंट्री एंड his quotations are always in our mind and whenever we have to work hard for our aim in the life, first of all we have to know that he has told in his Hindi statement, उठिस्ट जागृत वरान बोध है, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक कार्य को करते रहो। एंड दिस इज द quotation said by Swami Vivekananda. So children, in this passage the song of the three, Swami Vivekananda is completely dedicated to make India a free country. It was his effort to make it free in the broad way of the life, but it was a difficult and critical according to the time, but he fought much and he motivated much to the people so that they become completely dedicated to maintain the freedom of the country and make it great in the whole universe. Actually the song of the free, the title of this poem is that the song of the free. What is the song of the free? Free means freedom. When India would be free from the clutches of the British government, what would be the structure of the Indian culture? She has praised about this, but in these lines, he has only inspired the human beings, the readers, only for being creative and energetic to make India a free country, to make efforts for making India free. So, in these stanzas, the motivational statements are told by Swami Vivekananda for being energetic and being courageous to maintain the aim of the life. आप लोगों ने देखा कि स्वामी विवेकानंद जो हैं वो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है हमें उसको प्राप्त करने के लिए किस तरह से समर्पित होना चाहिए, कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में ये आपको दो स्टेजा में बताए हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमारे सामने चाहे कितनी भी विषमताएँ क्यों ना आ जाएँ, लेकिन हम अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित डिट इज द कंप्लीट डेडिकेशन फॉर द वर्क वाट एवर यू हैव डिसाइडेड टू डू इन द लाइफ। द वर्क विच यू हैव अंडरटेकन फॉर कंप्लीटिंग इन द लाइफ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म इट। द कमिंग डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स मे नॉट डिस्टर्ब यू। इट इज द थीम ऑफ द पोएट फॉर द रीडर्स। सो ही इज इनकरेजिंग अस, ही इज इंस्पायरिंग अस that the difficulties are only for cheating us, all these problems are only for misleading us, but the great one never follow these things. They are always firm determined and boldly face the challenges of the life. So children, today we have to read the third stanza of the poem. Let eye grow dim and ears grow faint, and friendship fall and love betray. Let fate its hundred horrors send and clotted darkness clog the way. आप जानते हैं कि विवेकानंद जी अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य की एकाग्रता और लक्ष्य की दृढ़ता की तरफ संकेत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आप कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ गए हो तो विषमताएं जो हैं आपके जीवन में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। हमारा जो लक्ष्य है वो विषमताओं में भी रास्ता ढूंढ लेता है। कुछ इसी भाव को लेकर के
कवि जो है इस कविता में कहते हैं लेट आईज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो डिम। अब यहाँ पर वो बात करते हैं हमारी फिजिकल एनर्जी की। वो कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है इट मे बी लॉस ऑफ एनर्जी इन रियल लाइफ। हो सकता है उनके जीवन में एनर्जी का लॉस हो जाए और उनकी हियरिंग पावर, उनकी जो है लिसनिंग पावर, उनकी सीइंग पावर जो है लेस हो सकती है, क्योंकि हमारे फिजिकल ऑर्गन हैं दीज आर वेस्टेड अवे बाय द पासिंग ऑफ द टाइम। ये हमारे जो अंग होते हैं, शरीर है, ये समय पाकर के नष्ट हो जाती है, क्योंकि फिजिकल ब्यूटी क्या होती है, मोमेंट्री होती है। तो कहते हैं लेट आई ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फैंड। जब तुम कर्तव्य मार्ग पर चल रहे हो सकता है तुम्हारी आंखों की देखने की क्षमता जो है डिम ऐसी हो गई, धुंधली हो गई हो, तो आंखें भी तुम्हारा साथ छोड़ रही हो, तुम्हें स्पष्ट दिखाई ना दे रहा हो। आई एंड ईयर्स ग्रो फैंड। और इतना ही नहीं, आंखों की सुनने की क्षमता भी जो है कुछ फेंट माने धीमी पड़ गई है, यानी ना तो आंख से दिखाई दे रहा होगा और ना ही आपको कान से सुनाई दे रहा है। इट मीन्स ऑल दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड कार्मिटीज आर द लाइफ इन द फॉर्म ऑफ द कार्मिटीज द हियरिंग एंड द सीइंग पावर ऑफ द ह्यूमन बींग्स मे बी ब्लॉक्ड। कहते हैं हो सकता है विपत्ति के रूप में हे मानव तुम्हारी देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता भी क्यों ना कम हो जाए। और आई एम फ्रेंडशिप फेल एंड लव यू ट्रे। इतना ही नहीं, फ्रेंडशिप फेल, आप अपने कर्तव्य मार्ग पर चल रहे हैं, हो सकता है आपके दोस्तों ने भी आपका साथ छोड़ दिया हो, आपकी दोस्ती फेल हो जाए, असफल हो जाए। लव यू ट्रे, और आप जिसे प्रेम करते हैं वो भी आपके साथ फिल्टरे माने विश्वासघात करना, आपके साथ धोखा दे दे, आपका प्यार आपके अनुसार ना चले बल्कि आपको धोखा दे दे। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। लेट फेट इट्स 100 हार्ड से। और इतना ही नहीं, भाग्य आपका पूरी तरह से आपके विपरीत हो जाए 100 हार्ड और आपको डरवाने के लिए, आपको रास्ते से विचलित करने के लिए सैकड़ों परेशानियां, सैकड़ों भयावह स्थितियां आपके रास्ते में उत्पन्न कर दे। आई फ्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। और हो सकता है कि जो घोर अंधेरा है, अंधेरे के रूप में क्या है, आपकी कठिनाइयां हैं, आपके कष्ट हैं, जो टेरिबल सफरिंग्स हैं आपके लाइफ की, हो सकता है आपके प्रोग्रेस को ब्लॉक करना चाहें, आपकी उन्नति को रोकना चाहें, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। अगर आप घबरा करके अपने लक्ष्य से पीछे हट जाओगे तो उन्नति आपको नहीं मिलेगी। इसलिए क्लटर्ड डार्कनेस मीन्स परेशानियों, जो टेरिबल सफरिंग से जो भयंकर परेशानियां हैं, हो सकता है आपके रास्तों को ब्लॉक करने का प्रयास करें। ऑल दीज प्रॉब्लम्स मे फ्राइटन यू फॉर गोइंग फॉरवर्ड इन द लाइफ। आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक सकती हैं, बट यू शुड नेवर केयर फॉर दिस। लेकिन आपको इसका ध्यान नहीं देना है। ऑल दीज आर ओनली फॉर डिस्टर्बिंग यू, ये केवल आपको परेशान करने के लिए है। आपको क्या देखना है, ना दाएं देखना है ना बाएं देखना, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ चलना है। आपका लक्ष्य क्या है, अपने एम को प्राप्त करना जो आपने निर्धारित किया है। इसलिए अगर हमने अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित किया है तो हमें दाएं और बाएं नहीं देखना है, बल्कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीधे अपने रास्ते पर चलते जाना है। अगर हम लक्ष्य की प्राप्ति में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी और परेशानियों में भी हमको एक नया रास्ता, नई सोच, नए विचार मिल जाते हैं। तो चिल्ड्रन, हियर द पोएट इन द पॉजिटिव वे। ही वॉन्ट्स टू मोटिवेट यू, ही वॉन्ट्स टू इंस्पायर यू दैट द कैलमिटीज एंड मिसफॉर्च्यून्स ऑफ द लाइफ आर ओनली फॉर मिस गाइडिंग यू। यू शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ दीज थिंग्स, बट यू शुड लाइक टू कंप्रोमाइज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द कैलमिटीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ एंड बाई फॉलोइंग द पाथ ऑफ फर्मनेस एंड बोल्डनेस यू हैव टू सीक द न्यू वे इन द डिफिकल्टीज ऑफ द लाइफ। दिस इज द थीम ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर द रीडर्स। ये हमारे लिए बहुत बड़ा उद्देश्य है।
बच्चों आज हम लोग इस थर्ड स्टैंडर्ड का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी लोग इसका रेफरेंस देखते हैं। दिस वंडरफुल स्टैंडर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द साधा गफरी कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद द ग्रेट नेशनल पोएट। कॉन्टेक्स्ट में लिखिएगा इन दिस स्टैंजा द पोएट हैज टोल्ड द डिवाइन कैरेक्टर ऑफ द ह्यूमन सोल। ही वांट्स टू टेल दैट दिस बॉडी फुल ऑफ द माइजरीज ट्रबल्स एंड डिफिकल्टी बट इफ वी आर फेथफुल टू गॉड ऑल दीज थिंग्स मे नॉट डिस्टर्ब अस। आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम सभी लोग। लेट आई ग्रो डी माइंड ग्रो टेंट आई रियर्स ग्रो टेंट पोएट इज कंप्लीटली फेथफुल फॉर द गॉड एंड ही नोज द गॉड इज ओनली साइंट ओनली प्रेजेंट एंड ओनली पोटेंट। सो ही सेड दैट The only one thing in the life which I have to be followed by the human beings, that is the karma determination. Because the human beings are the divine soul and they have to be completely prepared for the difficulties which are trying to disturb them. Let I grow dim and ears broken. Hear the poet is talking about the loss of the physical energy. He says, when you are going on the path of the success, it may be your physical as well as mental energy may be disturbed by the calamities of the life. But let I grow dim and ears broken. The poet, what does the poet say? He says that the seeing power of the eyes may grow dim. And the hearing power of the ears may be fainted, but you should be not worried about this. All these are only our physical organs. It may not cause you for going on the path of the life. In the loss of the hearing power, in the loss of the watching power, you have to go on and on. I am friendship fail and love hatred. Not only this, he said when you are proceeding on the path of the success, it may be your friends may cheat you. You get the failure in your friendship. They would not like to go in your company. And love hatred. And the person whom you have the deep love, he would also try to betray you. Those loving person would try to cheat you, but you should never be disturbed by these things, because these are only for cheating us, these are only for misguiding us. Let fate is 100%. Again, the poet is telling about the miseries of the life. He says, not only this, it may be that the fate will be quite against you. It will not support you. All your supporters may be against you. And the 100 horrors would be sent by the fate. But you should never be tired of it. You should never be afraid of it. The plotted darkness blocked the way. And in the last line of the stanza, the poet says that the miseries and difficulties of the life may block your path of the life on which you are going on. It may be that many types of the difficulties and problems come in your life and try to make your path block. But you should not be disturbed, because all these problems may be vanished away very soon. So you have to be firmly stood on the way and have only one thing in your mind, that
the God in omniscient, omnipotent and omnipresent. You are the divine soul, and being faithful, you have to go on and on in your way. God will make you successful in the life. It is the theme of the poem for the readers. Well, children, you have explained the third stanza of the poem, and we will meet again in my next video. But before finishing the stanza, I want to suggest you that you have to write the explanation of this stanza in your notebook, and we will meet again in my next video. Thanks, have a nice day.